कितने लोग आज फ्री होना चाहते हैं? बोला हालेलुया, हालेलुया। पर भीड़ इतनी है, क्या करें मैनेजमेंट। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। प्लीज यहां पर कोई नहीं बैठेगा, जगह छोड़ दो, पीछों कर बैठूं, सामने काम करने दो। अगर आप चाहते हैं चमत्कार देखना तो काम करने दो परमेश्वर को। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ दुआ में जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रार्थना पर? अगर आप विश्वास करते हैं, आज मैं कह रहा हूं कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। आज आप आशीष को लेकर रहेंगे स्वर्ग से। परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ आयु संगत के लिए, गुरदासपुर शहर के लिए। पवित्र आत्मा जी हम सब मिलकर परमेश्वर तुझे दंडवत करते हैं यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते हैं। ताड़ी बजा कर परमेश्वर आपका स्वागत हो। परमेश्वर किसी मनुष्य का नहीं, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत हो परमेश्वर। क्योंकि आत्मा से जो बातें करता है, आत्मा से जो चलता है, आत्मा से जो बोलता है, पवित्र आत्मा सच में तू मोजे करता है उसकी जिंदगी में। आज बड़े बड़े मोजे होने पाए, आज बड़े बड़े चमत्कार होने पाए। आज परमेश्वर सच में पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ कि तू आप ही स्वर्ग से उतर आएगा इस पंडाल में। मेरे प्रभु अपने दास लोगों की प्रार्थना को सुन परमेश्वर। जितने तेरे दास यहाँ पर इकट्ठे हैं, बिशप लोग, तेरे दास लोग, जो मेंबर हैं परमेश्वर, टीम है पवित्र आत्मा जी, उन्होंने सहयोग दिया, पुलिस प्रशासन ने भी, हर एक जन ने पवित्र आत्मा जी यहाँ पर परमेश्वर इन सब के ऊपर परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग से रिलीज होने पाए परमेश्वर। ये लोग तेरी शांति को देखने पाए आज, ये लोग तेरे अनुग्रह को देखने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा, एक भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा। मेरे प्रभु तू मुझे इस समय परमेश्वर सामर्थ दे, तेरी सामर्थ में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस समय हमें आशीष दे, और यीशु मसीह के नाम में इस पंडाल के चारों ओर सरदूतों का बड़ा लगा दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हर सिस्टम को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है? यस। उसकी प्रेजेंस यहाँ पर है? यस। तो उसी समय अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को उठाओ, सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, जब मैं इस पंडाल में स्टेज के ऊपर आया, अभी प्रार्थना कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस पंडाल के अंदर करें के जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे कह दे कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है यहाँ पर। अगर आज तक आपकी जिंदगी में कोई दुख है, परेशानी है, समस्या है, मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके जीवन में कोई दुख है, बीमारी है, समस्या है, कोई कर्ज है, परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में से वो कर्जे को हटाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है, आपको बरकतें देने के लिए जा रहा है। आज आजाद होना है कि नहीं आपको? यस। आपको हाथ उठाकर तीन बार स्वर्ग की ओर देखकर बोलना है, तीन बार बोलो आई एम फ्री, आई एम फ्री, बोलो आई एम फ्री, आई एम फ्री, बोलो आई एम फ्री, आई एम फ्री। कह रहे यीशु के नाम में मैं फ्री हो चुका हूँ। यस। अपने पड़ोसी का हाथ मिलाकर बताओ और बोलो कि तू फ्री हो गया आज से, तू अपनी समस्याओं से फ्री हो गया आज। क्या आप विश्वास करते हैं अपनी समस्याओं से फ्री हो गया आज? बोला हालेलुया, हालेलुया। आज आप फ्री हो गए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हमारे चर्च के प्रधान फ्री नहीं हुए अभी। वो मुझे फोन करके कह रहे थे जी पब्लिक मंदी नहीं है, गिरी रस्से टप टप के अग्गे आई जंदे। मैं कह ये मीटिंग किसी और की नहीं है, ये मीटिंग प्रॉफिट बजिंदर की है। हालेलुया। एक्शन के साथ, एक्शन के साथ बोलो बोलो बोलो, फिर से कहो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा।
हाथों को उठाए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं सच में तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस पंडाल के लिए, इस मीटिंग के लिए परमेश्वर, और सब प्रधानों के लिए पवित्र आत्मा जी, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं आयु संगत के लिए पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जी तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह भरा हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए आज, तेरा दाहिना बाइना हाथ इनके ऊपर परमेश्वर ठहरने पाए, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि तेरे दाहिने बाइने हाथ में धन महिमा और लंबी आयु है। yes. आज परमेश्वर ये गुरदासपुर वाले लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज ये बड़ी भीड़ परमेश्वर जहां से भी आई है परमेश्वर बड़े छुटकारे को लेकर जाए यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों के लिए कि आपकी जिंदगियों में परमेश्वर कुछ करना चाहता है आज रात। आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। ये लोग मेरे लेफ्ट राइट जो स्टेज पर है इधर, पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। आप सब लोग बैठ जाएं। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा? जितने आमीन बोल रहे हैं आज आजाद हो रहे हैं। आमीन। आज जब मैं घर से निकला पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि लोगों को जाकर कह देना आज, जितने लोग इस पंडाल में आएंगे, करा जितने लोग आज गुरदासपुर की मीटिंग में आएंगे उनसे जाकर कह देना, करा जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, कर्ज में, करा किसी भी परेशानी में, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा करा कि आज बहुत सारे लोगों को जाकर कह देना कि आज आसमान का खुदा उनके लिए निकल कर आएगा इस मीटिंग में आशीष देने के लिए। वो यहां पर आया हुआ है आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने के लिए, लेकिन चमत्कार को लेने के लिए पहले विश्वास को लेना पड़ता है। अगर आज आप विश्वास के साथ यहां पर आए हैं, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज आपकी किस्मत बदलने वाली है, आज आपकी तकदीर बदलने वाली है। आप जैसे है वैसे नहीं रहेंगे, आज रात के बाद बदल जाएंगे, आज रात के बाद बदल जाएंगे। यीशु मेरा बड़े बड़े कम कर दो, यीशु मेरा बड़े बड़े कम कर दो, यीशु मेरा। मैं क्या कह रहा हूं आपको सुनना ध्यान से कि शाऊल के ऊपर जब अभिषेक आया तो बाइबल बोलती है वो पहले जैसा ना रहा। आज अगर आज आप खाली आज चले गए तो मैं कह रहा हूं नहीं बदल पाएंगे, लेकिन जितने लोग आज शांति से वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर का अभिषेक आज आपके ऊपर ठहरेगा। yes. आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी अनॉइंटिंग को देखेंगे आज। yes. बड़ी बरकत को देखेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। yes. हर आशीष आपकी जिंदगियों में काम करेगी। आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? यस। जब एक छोटा बच्चा भी विश्वास करता है तो वो अपनी जिंदगी में फ्री हो जाता है। अगर आज आप किसी बात के लिए घबराए हुए हैं, कितने लोग यहाँ पर घबराए हुए हैं, कोई चिंता में, कोई परेशानी को लेकर, किसी कर्जे को, किसी बीमारी को लेकर कितने लोग घबराए हुए हैं आज? हाथ उठाकर बताओ कितने लोग घबराए हुए हैं आज? आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। yes. क्योंकि यहाँ पर कह रहे कि आज यीशु मसीह आया हुआ है, आज शैतान घबराएगा आपसे आज। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं जब मीटिंग कर रहा था, इस मीटिंग में करने में बड़ी प्रॉब्लम आई, तूफान आ गया, बारिश के कारण इस जगह पर खड्डे पड़ गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से मीटिंग स्टार्ट होगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा सुनता है जब परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करते हैं। yes. अगर आज आप किसी समस्या में, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको फ्री करके भेजेगा। आमीन। आपको छुटकारे देकर भेजेगा आज। yes. क्योंकि आज मौतों की रात है दोस्तों। आमीन। आज चमत्कार की रात है दोस्तों। ये कयामत की रात है। मैं कह रहा हूं कि आज आपके बदलने की रात है चर्च। आज कैसे भी चक्कर में होंगे आज छूट जाएंगे आप। आज परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार है जो लोग अपनी जिंदगी में विश्वास करते हैं। बाइबल बोलती है विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। क्या आप विश्वास करते हैं आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा? जितने हालेलुया बोलकर चिल्लाएंगे आज, हालेलुया, मैं कह रहा हूं आपकी आवाज कम है चर्च। पहले आदमी लोग चिल्लाएंगे, आदमी लोग हालेलुया, अब औरतें चिल्लाएंगी, औरतें जीत गई, आदमी हार गए। इनको जान बूझ कर जिताया गया औरतों को, क्योंकि सबसे पहले चर्च में यही आती हैं। हालेलुया। सबसे पहला सुसमाचार मरियम ने सुनाया,
आज विश्वास करना है, आज आप कहीं से भी आए हो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी को बदलेगा। बेशक आपको गर्मी लग रही हो, लेकिन याद रखना मैं मीटिंग खत्म करके जाऊंगा, बड़ी आंधी और बड़ी बारिश आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी ठंडक स्वर्ग से आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं कह रहा हूं अभी रुकना, सारे बोले हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि अभी बारिश मंगाऊं? हाथ उठाओ। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो बताओ आज इकट्ठे होकर। सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं विश्वास, आज आपके अंदर कैसा भी विश्वास हो, अगर आज आपके अंदर राई के दाने जैसा भी विश्वास है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आज तुम फ्री होकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कोई मां के पेट से नहीं लेकर आता। मैं आपको क्यों तैयार कर रहा हूं पहले, कि ताकि स्वर्गदूत आए। परमेश्वर ने मुझे कहा मैंने इस पंडाल में स्वर्गदूत भेज रखे हैं। एक हफ्ते से मैं दुआ कर रहा हूं, परमेश्वर का एक हफ्ते से करा कि मैंने गुरदासपुर के अंदर करा कि स्वर्गदूत भेज रखे हैं, करा कि स्वर्गदूत घूम रहे हैं। कभी तू परमिशन उधर की लेता है, कभी इधर की लेता है, किधर की परमिशन है तेरे पास। मैं कह रहा हूं कि जहां की परमिशन मिली, स्वर्गदूत इस पंडाल में पहुंच चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जिसके अंदर आज विश्वास देखा, पवित्र आत्मा करा कि उसको एड्रेस देने वाला आज एंजल को, आपका नाम बताने वाला है, आपकी जिंदगी में आशीष देने वाला है। मैं छोटी सी बात बता रहा हूं अभी। मेरी बेटी अलीशा कल रात ज्यादा बीमार हो गई और उसको डॉक्टर के पास लगे। डॉक्टर ने कहा कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, और उसी समय डॉक्टर ने कहा इसको एडमिट कर लें। तो मेरी बेटी ने एकता ने फोन लगाया और उसने मुझसे प्रार्थना कराई, बोलती पापा आप बताओ एडमिट करें कि नहीं। मैंने कहा आज मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अलीशा को फोन दो। और मैंने कहा अलीशा दोनों हाथ ऊपर उठा और बोल आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। और एक घंटे के बाद वो मेरे बेडरूम में आई, बोली पापा आई एम फ्री। वो बोलती आई एम फ्री, आई गो टू हीलिंग क्रूसेड गुरदासपुर। बोले हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा तीन बार मेरे कमरे में आकर उसने ये नहीं बोला पापा मैं चंगी हो गई हूं, बोलती है पापा आई एम फ्री। आज आपको कहने की जरूरत है, आज हाथ उठाओ और आसमान की ओर बोलो डैडी। जो बाप आपका स्वर्ग में बैठा है वो आपको देख रहा है, आज आपके दर्द को देख रहे, आपकी बीमारियों को देख रहे, आपके कर्जों को देख रहे, आपकी लानतों को देख रहे। आप मुसीबत में होंगे, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा करा कि आज मैं देख रहा हूं यहां पर बहुत सारे लोग दुख में हैं, बीमारी में, समस्या में, कर्ज में है। लेकिन इनसे जाकर कह दे घबराना ना, घबराना ना, आज तुम नहीं, आज शैतान घबराएगा क्योंकि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। आज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस यहाँ पर आई हुई है, आज उसके लोग यहाँ पर आए हुए आमीन बोलने वाले, आज चमत्कार को लेने वाले आमीन बोलकर। आज अगर आज आप चाहते हैं तो आज इसी समय हाथ उठाकर कहो आई एम फ्री। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में मिराकल करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि मिराकल है आपके लिए आज? क्या मिराकल आपके लिए? मुझे नहीं लगता, शायद आपको लगता नहीं है। आज मिराकल आपके लिए, अपने पड़ोसी को बोलो हाथ मिलाकर बोलो आज तो बहुत सुंदर लग रहा है, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज हो सकता है आप ऊपर से सुंदर बनकर आए हो, फिर लवली लगा कर आए हो, लेकिन समझ जाना ये गर्मी में उतर जाएगी फिर लवली। लेकिन आज कह रहा परमेश्वर, आप परमेश्वर का कलाम आपको अंदर से सुंदर बना कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अंदर बाहर से नई तंदुरुस्ती देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। भूल जाएंगे आप कहां से आए हैं, कौन है आप। आज आप आशीष को देखने वाले हैं, बोलो हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? हाँ, वो रेड टी शर्ट, मैं आपको मसाला दिखाता हूं पहले आपको। सारे बोला हालेलुया। आपके साथ कौन आया? हाँ हाँ, सुनो जय मसीह की। हाँ हाँ, सुनो ध्यान से, होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है, कह रहा है कि जब मैं प्रचार करना स्टार्ट किया, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि बहुत सारी समस्या तेरे परिवार में हो रही है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा, हाँ जी बिल्कुल, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं किसी अंजलि को देख रहा हूँ। Yes, sir. कौन है अंजलि? Yes. क्या नाम है तेरा? Yes, मैं पूछ रहा हूँ तेरा नाम क्या है लड़की? अंजलि। हालेलुया, बात है क्या बात है, क्या बात है, बोलो यीशु मसीह की। सुन रहे कि नहीं?
रहे हैं, जितने लोग बोलते हैं तेरे बारे में, तेरे घर के, तेरे परिवार के, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तेरे को अच्छी थी तू पहले पढ़ने में, लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या हो गया, एकदम से कुछ दुष्ट आत्माएं प्रॉब्लम कर रही थी आपकी फैमिली में, करे किसी के पेट में प्रॉब्लम कर रही थी, किसी के पास बेटा नहीं है, कोई है यहाँ पर, और इसी समय सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा सुनो, कौन है, सुनो पिंकी, पिंकी कौन है, पिंकी वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, क्या विश्वास करती है पिंकी, कौन है ये पिंकी, क्या लगती है तेरी चाची, सॉरी भाभी, भाभी है भाभी, हाँ हाँ जो भी है भाभी चाची, हमें क्या लेना, सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। देखो ये बेटी कैसे एक्साइटेड आज कह रही है कि परमेश्वर दर्शन देने के लिए, याद रखना मैं कह रहा हूँ आप कहीं से भी आए हो इस पंडाल के अंदर, विश्वास करना आज रात पवित्र आत्मा आपको जानता है, आपके नामों को पुकारेगा, मैं कह रहा हूँ अगर आपके नाम ना भी पुकारे, पवित्र आत्मा ने मुझे स्टेज पर एक घंटे से बोल रहा है, कह रहा जिसका नाम ANGPRSKVL से M से, उनके बच्चे फौरन की आशीष पाने वाले हैं यीशु के नाम में, ओ मेरे यीशु जी देखो की क्या बात है, ओ मेरे यीशु, बोलो यीशु मसीह की जय। सुनना लड़की ध्यान से, पिंकी परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर दया करना चाहता है, आपके ऊपर दया करना चाहता है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, कोई मैं ऐसे दो तारीख देख रहा हूँ, कुछ दूसरा महीना मैं ऐसे कुछ देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई दो तारीख दूसरा महीना या दूसरा महीना या दो तारीख है, कह रहे कि कोई पैदा हुआ या कोई शादी हुआ किसी का, जन्मदिन हुआ, कौन सी तारीख, कौन सी तारीख, दो तारीख जी, उछली उछली के मेनू दर्शन होया यीशु दा, मैं उछली उछली के मेनू दर्शन होया, यीशु नाम मिल गया, आज मेरे दुखों तो आराम मिल गया, आज परमेश्वर तेरे से बात कर रहा है लड़की, ये पवित्र आत्मा है, तू मेरे से मिली है कहीं पर, कोई टेलीफोन नंबर है तेरे पास मेरा, मैं कह रहा हूँ कोई टेलीफोन नंबर है मेरा पर्सनल तेरे पास, कहीं बर्गर खिलाया तूने मुझे, अपने घर पे बुलाया मुझे, ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जानता है, सुन रहे कि नहीं ध्यान से, ये पिंकी, पिंकी तेरे से बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चार साल से तेरे पीछे दुष्टात्माएं पड़ी हुई हैं, तुझे बच्चा नहीं होने दे रही, चार साल हो गया, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, चार साल हो गया तुम्हारी शादी को, लोग बातें बना रहे हैं, तू रो रो कर थक गई है, एक खाट पर बैठ कर, टूटी हुई खाट पर बैठ कर तू रोती है, मैं से देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा आज से तेरे घर का सारा नक्शा बदलेगा, हर चीज नहीं हो जाएगी आज के बाद, ब्लेसिंग को देखेगी यीशु मसीह के नाम में, क्या विश्वास करते हैं आप, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में मोचे करना चाहता है, परमेश्वर आशीष देना चाहता है, आज के बाद हाथों को उठा, अपने हाथों को उठा, और इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखना है, मेरी उंगली की तरफ देखना है, और इसी समय मेरी उंगली में से करंट निकलेगा और तू चिल्लाएगी और वो निकल जाएगा तेरे अंदर से, चलो निकल जाओ, चिल्लाओ और निकल जाओ इसके अंदर से, फायर, उसके घर में बैठ रहा, निकल जा बाहर, निकल जा बाहर, निकल जा, मैं इसी से मैं हुक्म देता हूं तुझे, छोड़ दे शोहरत को, कितने साल से पकड़ा तूने इसे, कितने साल से पकड़ा है, जल्दी बोल कितने साल से पकड़ा है, और इसी समय निकल जा इसके अंदर से, चल ये यीशु का सामर्थ है, पवित्र आत्मा की आग इसके ऊपर गिरे, और इसी समय वो शैतानी ताकत इसके घर में से बाहर जाए, जाओ फायर, ये क्या रा 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 सारे बोला हालेलुया, हालेलुया, आपको विश्वास नहीं करना इस बात पर कि मैं घर भेज दूंगा आपको विश्वास करना है, सुनो किसी की चंगाई में रुकावट नहीं बनना, पकड़ते नहीं है, चाची को संभालते हुए चार साल हो गए, डॉक्टर पर ले जाते हुए बच्चा नहीं हुआ, और चौथे महीने के अंदर गर्भवती हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आप चेक करना, पवित्र आत्मा आशीष देगा, आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आया यहाँ पर, क्या विश्वास करते हैं कि नहीं, yes. कि हाँ कि ना, yes. मैं देख रहा हूं कोई यहाँ पर कोई सरदार भाई है
और उसका नाम ऐसे मैं देखता हूँ, लाली 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 लाली, कौन है कौन है, ऐसे मैं देख रहा हूँ कोई, ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ किसी को। हाँ यस, हाथ उठाओ हाथ उठाओ, कोई है यहाँ पर सरदार भाई जिसका नाम लाली है, मैं से देख रहा हूँ, मैं आत्मा में देख रहा हूँ। और इसी समय अगर कोई है तो उसके पास जाओ, शाबाश, लेफ्ट केबिन लेफ्ट केबिन, और इसी समय जोर से ताड़ी बजाओ, जोर से जोर से जोर से, आगे लेकर शाबाश, तोड़ के गई मैं मार गई अपने रोग तो हार गई, हुणी कदे भी ना किथे बलि जावांगी, हुणी कदे भी ना किथे बलि जावांगी, गुरदासपुर से। मैं इसी समय देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोल रहा है, कह रहा है कि बड़े टाइम से तू परेशान है, कह रहा है कि तेरे शरीर में करंट सा लगता है, तुझे रात को तीन तरह की भूतड़ियां सताती हैं, तुझे तंग करती हैं, और तुझे तीन बार मारने की कोशिश किया, तेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, तुझे हार्ट अटैक करना चाहते हैं, तुझे मारना चाहते हैं, तेरे सांस को फुलाना चाहते हैं, और इसी समय मैं देख रहा हूँ तुझे निकल रही है, वो कांप रहा है, निकल रही है, निकल जाओ इसके अंदर से, निकल जाओ, चलो फायर, इसी समय फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में, बोला हालेलुया हालेलुया। सरदार जी तीन बार बोलो, ऊपर देखकर बोला आई एम फ्री, आई एम फ्री, इधर देख मेरी तरफ देख, आंख खोल के दस बोल आई एम फ्री, आई एम फ्री, जोर नाल बोलो आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। कुलविंदर कौन है, कुल ऐसे किसको बोलते हैं, कुलविंदर किसको बोलते हैं, किसको जानते आप, किन्नु जान दे हो, कुलविंदर कुलविंदर कुलविंदर, जैसे काला किस काला कहंदे, काला काला जी तुम्हारे पिंड च काला किन्नु कहंदे, कुलविंदर कुलदीप ऐसे किसको बोलते हैं, हां जी मेरा भतीजा ही है काला, तुम्हारा भतीजा काला, हालेलुया, मेरा भतीजा काला है लेकिन मेरा भतीजा गोरा है, गोरा जी हैं, गोरा जी, गोरा है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। सारे बोले हालेलुया हालेलुया, मेरा नाम दा काला है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो गोरा है, मेरा भतीजा भी गोरा है, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर दया कर रहा है, कह रहा है कि अगर आप इस मीटिंग में ना थे, कह रहा शैतान कह रहा है कि हार्ट अटैक करके मारना चाहता था, कुछ जादू टोने आपकी जमीन के ऊपर आपके घर के ऊपर हुए, सब कुछ बर्बाद कर दिया तेरा, इसी समय वो इसी समय चिढ़ रही है, वो दुष्ट आत्मा चिढ़ रही है कि तू इसके लिए क्यों भविष्यवाणी कर रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता लग गया कि आज प्रॉफिट के बोलने से आज इसका पत्थर टूटने वाला है, पत्थर हटने वाला नहीं है चर्च, पत्थर टूटने वाला है। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा कि मार्था पत्थर हटा पत्थर, लेकिन ऐ विश्वास का पत्थर वो नहीं हटा पा रही थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आज आपके कानों पर आपके दिमाग पर ऐ विश्वास का पत्थर है कि यीशु मसीह चमत्कार नहीं करता, मैं कह रहा हूं जो कल करता था वो आज भी करता है और युगान युग करता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप देख रहे हैं पवित्र आत्मा आपकी गवाही को सुनाएगा, एक टांग आपकी टांग में प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा कहता है घुटनों में प्रॉब्लम है, हाँ या ना, अब इसी समय हीलिंग मिलेगा, हीलिंग, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है, मेरे हाथों की तरफ देख और निकल रहा है वो, चल जीसस, अपने हाथों को तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला, 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 तेरा पल्ला झुके आशीष दे, कह रहे कि अब आप जाओगे और चेक कराओगे, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी, जो हिस्सा आपका दबा लिया गया था, कह रहे कि वो घर आजाद होगा आपका यीशु मसीह के नाम में, आपको गुड न्यूज मिलने वाला जल्दी, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है, बोलो हालेलुया हालेलुया, विश्वास करो और चेक करो अपनी टांगों को 5 मिनट के बाद, और इसी समय देखना परमेश्वर का आत्मा चमत्कार कर रहा है, चेक करो, दौड़ के जा, दौड़ के दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़े के दौड़े के लगे भी दौड़े के दौड़े के दौड़े के लगे भी दौड़े, हटा यीशु की भूत बिची है, हटा यीशु की भूत बिची है।
सारे बोलो हा बोलो हा बोलो यीशु बोल शैतान गोल देखो कैसे नाच रहा है कैसे दौड़ रहा है अंदर यीशु अति मूड बीच आ गया लगीड़े तोड़े अंदर यीशु अति पूछ लो इससे पूछ लेना इतना भी नहीं दौड़ सकता था ये गिर जाता था हाँ पूछो माइक में क्या दौड़ सकते थे पहले इतना है दौड़ सकते हेल तोड़ नहीं सकते तोर नहीं सकते कह रहा गिर जाता सीगा होने होने तोर रहे हैं होने टांग ठीक होगी है चमत्कार हो गया चमत्कार सुनो अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा छू रहा है कह रहा घर जाएगा कह रहा मिराकल देखेगा तीन दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में कह रहा कोई कोर्ट केस जीतने वाले हैं आप यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आजाद कर रहा अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो और इसी समय जो लोग चाहते हैं कि आज कितने लोगों के ऊपर कर्जा है हाथ उठा के बताएंगे कितने लोगों के ऊपर कर्जा है मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो लोग कर्जे से आजाद होना चाहते हैं आज आपको बता रहा हूं तरीका बाइबल बोलती है कह रहा है कि उसके हाथ में धन और महिमा है जो परमेश्वर को दान देता है मैं कह रहा हूं जो अनाथों को गरीबों की सहायता करता है कह रहा है कि वो परमेश्वर को उधार देता है उधार आपने बहुत लोगों को उधार दिया होगा लेकिन आज विश्वास करना कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहेगा yes. आप जो देंगे परमेश्वर को परमेश्वर दुगना आपको देगा यीशु मसीह के नाम में ये विश्वास करने वाली बात है आज अगर किसी के ऊपर कर्जा है कोई बड़ा काम कराना चाहता है कोई चाहता है कि मेरा कोई बड़ा काम अड़ा हुआ है कोई आपका कोई ऐसा काम हो आपका अड़ा हुआ है आज एक बड़ा नोट अपने हाथ में पकड़कर मन्नत मांग लो आज अगर विश्वास है आपको मैं आपके लिए मांग रहा हूं अगर आपको विश्वास है पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा बोलो हालेलुया और इसी समय परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी जो लोग विश्वास के साथ मेरे पिता परमेश्वर इस मीटिंग में आए हैं मेरे प्रभु बोने वाला कभी गरीब नहीं रहता परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि सच में पवित्र आत्मा जी आज ये एक बेस्ट बीज जो लेकर अपने हाथों में खड़े हैं अपने हाथों में लेकर बैठे हैं परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में एक बड़ा मिराकल करा आज यीशु मसीह के नाम में आज आशीषें खोल दे इनके लिए यीशु मसीह के नाम में और आज का कलाम पवित्र आत्मा ने सुंदर बनाए पवित्र आत्मा जी इनका बोना आशीष में बदल जाए पवित्र आत्मा जी आज के बाद बोने के बाद ये सच में परमेश्वर रिजल्ट देखने पाए बीज को नहीं पता होता कि वो कौन सा पेड़ बनेगा आपको नहीं पता कि आपका बीज आपके लिए इतनी बड़ी गवाही लेकर आएगा परमेश्वर मैं विनती करता हूं जिन लोगों ने मेरे कहने पर जो मेरे को आज भविष्य समझते हैं पवित्र आत्मा तेरा चुना हुआ दान समझते हैं परमेश्वर आज जिन्होंने अपने हाथ में एक दान पकड़ा है मेरे प्रभु जब ये बोएं इस चर्च में इस मीटिंग के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं जो अकाउंट्स में बो रहे हैं परमेश्वर मैं उनके लिए विनती करता हूं कि आज पवित्र आत्मा जी उनके ऊपर से कर्जे के शराब टूट जाए कंगाली का शराब जाए हर नुकसान कराने वाली आत्माएं एक्सीडेंट कराने वाली आत्माएं लीवर में इंफेक्शन कराने वाली आत्माएं भाग जाएं यीशु मसीह के नाम में आज से परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इनके बच्चे जिस काम पर हाथ लगाएं सफल हो जाएं मेरे प्रभु जिन्होंने आज बेस्ट बीज बोया है और जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है उनकी सच में पवित्र आत्मा तीसरे महीने में जॉब लगने पाए यीशु मसीह के नाम में और मैं प्रोफेसी करता हूं जिनका नाम GRMNSPKL से Y से आपका बीज आपके लिए गवाही बनकर बोलेगा अगले महीने सारे बोलो हालेलुया विश्वास करना है जोर से तारीफ करें शाबाश आइए हम सब परमेश्वर के कलाम में जाएंगे परमेश्वर के वचन में जाएंगे जल्दी से और इसी समय कितने लोग आज चमत्कार को लेना चाहते हैं हाथ उठाकर बताओ कितने लोग लेना चाहते हैं क्या विश्वास करते हैं चमत्कार है आज आपके लिए है कि नहीं विश्वास करते हैं तो आज आपकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष आने वाली है क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए हाँ कि ना हाँ कि ना मुझे लगता नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है बोला हालेलुया एक बार कहो हालेलुया हालेलुया कहिए सड़ लगदे नहीं रपइए 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 हाथ उठाते अपने
हालेलुया हालेलुया। सुन रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जितने भी यहाँ पर बैठे हैं आज के बाद, कहता है कुछ कोई बड़े बड़े काम आपके फ्री में होने वाले हैं। विश्वास करते हैं इस बात के लिए? मुझे लगता नहीं आपको विश्वास है कि नहीं। आपकी ताकत कम है। कितनों को गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है, पंखा झोल रहे हैं। और ये देख लो पादरी सारी गर्मी में कोट डाल के रखता है। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। कितने लोगों ने मेरे कहने पर बीज बोया था अभी? कुछ लोगों ने बोकर अपनी जेब में डाल लिया। चंदे में डालना है और विश्वास करना, अगर डला आज रात आप कहीं से कहीं पहुंचने वाले हैं। आमीन। आपके पैसे पर बरकत देकर जा रहा हूं। यस। जिसने इस मीटिंग में आए हैं आप झोपड़ी से बंगले में जाएंगे। आमीन। अगर आप 100 गज के प्लाट में रहते हैं 200 गज का हो जाएगा। आमीन। याद रखना इस भविष्यवाणी को, आप 3 महीने के बाद याद करेंगे, नवंबर के महीने में याद करेंगे आप कि जैसा प्रॉफिट ने कहा था वैसा हो गया है। मैं किसी लेडी को देखता हूं जिसका नाम लक्षदीप या उसके घर में कोई लक्षदीप, मैं से देखता हूं किसी को, सारे बोला हालेलुया। जो भी है यहां पर मैं उसके लिए बोल रहा हूं, लक्षदीप कहीं पर भी है, पीछे है चाहे लाइव में है, मैं इसी समय देख रहा हूं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, हाँ वो बहन हाथ उठा रही है वहीं खड़े खड़े, जिसका नाम लक्षदीप है, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। बस वहीं खड़े खड़े रिसीव करो ये लक्षदीप, तेरे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आशीष ठहरने वाली है तेरे घर में, बरकतें आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, मैं ऐसे देख रहा हूँ। और इसी समय मैं आता हूँ देख रहा हूँ जैसे कोई एक और कोई लक्षदीप है, जैसे पिंक कलर की चुन्नी उसने डाली हुई है, होली स्पिरिट मुझे रंग भी बताता है आपके हाँ के ना। अगर है आप तो सामने आना, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोला हालेलुया। हाँ हाँ, प्रोफेट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई लक्ष्मी है और उसने पिंक चुन्नी पहन रखी है। लक्ष्मी तेरी माँ है, लक्षदीप। हालेलुया। सुन रहे हो? हाँ। परमेश्वर का आत्मा बेटे आपको छूना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। आपके पास कोई पर्स है? कुछ दौड़ कर लेकर आ, दौड़ कर लेकर आज बोलो। गई मैं हार गई, अपने लोग तो हार गई, बुरी कदे भी ना किसे वाली जावांगी, बुरी कदे भी ना किसे वाली जावांगी, ओ यीशु जी तेरा पल्ला झूमे पल्ला मोटावांगी, ओ यीशु जी तेरा पल्ला झूमे। अरे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो, बोलो क्या तेरे जेब में मिरेकल मनी होने वाली है। पतरस ने क्या किया? पतरस आया और कहने लगा, बोलता है यीशु मसीह कह रहा कि हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया। यीशु मसीह ने कहा विश्वास कर, कह रहा कि आज मछली के पेट में तुझे सोने का सिक्का मिलेगा। Amen. लेकिन कह रहा वो कब मिलेगा? कह रहा जब तू उसका मुंह खोलेगा। याद रखना, कह रहा आपके पेट में, आपके घर में, आपके पर्स में सोने का सिक्का जब आएगा, मिरेकल मनी जब आएगी, जब आप मुंह खोल कर चिल्लाएंगे आमीन बोलकर आज। आमीन। हालेलुया। हाँ, सारे बोला हालेलुया। हाँ, लक्षदीप सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहे कि तू इतने टाइम से प्रभु को जानती है, तेरे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा। yes, बोलते पापा? हैं कि नहीं। yes. रो रो कर थक गई है, तेरे yes, कालजे में कुछ प्रॉब्लम होता है, तेरे गले में प्रॉब्लम होता है, तेरे yes, पैरों में पेड़ियों में चलते हुए दर्द होता है। yes, आपको पापा? ऐसे लगता है जैसे मेरे को ये बांझ लगा रहा रात को, आपको ड्रीम्स भेड़े भेड़े ड्रीम्स आते हैं, आपकी कमर में बहुत दर्द होता है, आप गोलियां खा खा कर थक गए हैं, लेकिन आपके अपने भी बोल रहे हैं, अपने भी कह रहे हैं कि क्या मिला तुझे वहां जाकर, क्या मिला? सही कह रहा हूं कि नहीं? लेकिन मैं कह रहा हूं कि तेरे घर के आसपास करा उन लोगों की आशीषें सूख गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को करा सही ढंग से नहीं पकड़ा हुआ, विश्वास नहीं किया हुआ। अगर आज आप वचन सुनकर जाएं और विश्वास करें, जो मैं कहूं जैसा मैं कहूं वैसा करें, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपके यहां पर सूखा नहीं पड़ेगा। और तेरे घर में किसका नाम सूखा है? सूखा मेरे घर वाले का नाम। क्या नाम है? सुखा। लेकिन तेरा पर्स भी सुखा हुआ है। यस पापा। मुश्किल से 100 का नोट
किसी सौ के नोट में ऐसे लिखा है 9292 12 या 9292, चेक कर लो, देखो कोई है, एक 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 जगह ऐसे 77 है, दो नोट मैं से देखता हूँ, आप खोल कर देखना आराम से, और इसी समय आप जितने भी सौ के नोट इनको पकड़ा दो। सारे बोले हालेलुया। अगर निकला आज तेरी किस्मत बदल जाएगी, बोला हालेलुया। ढूंढना बाद में आराम से, आप ढूंढ लेना, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पर्स पीछे पकड़ा दो, अपने हाथों को उठाओ और तेरे घर में परमेश्वर का आत्मा जिंदगी में करें कि बड़े मिराकल करेगा, आज पवित्र आत्मा छुएगा यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय एक घर की आशीष तुझे देने के लिए जा रहा है परमेश्वर। एक डबल स्टोरी मकान में तेरा बनता देख रहा हूँ, तेरी आशीषों को मैं तेरे पास आते देख रहा हूँ, और इसी समय परमेश्वर तुझे छूने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ के ऊपर से वो आशीष उतर रही है, और इसी समय वो गंदी स्पिरिट जो आपको तंग करते है निकल रही है, चलो निकल जाओ इसके अंदर से। कर्जा डालने वाली, इसको बीमार करने वाली, इसके यूट्रस से प्रॉब्लम डालने वाली, इसी समय पेट में से पथरिया इन्फेक्शन बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। चल चीख और चिल्ला और निकल जा, और इसके पति को छोड़ दे, इसके फाइनेंस को छोड़ दे, और इसी समय आज से परमेश्वर इसके घर में सूखा ना पड़े, पवित्र आत्मा से मिराकल पर मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। गुड न्यूज मिल रही है आज से तुझे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है, अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। जब तू घर जाएगी अपनी सास को बोलना आई एम फ्री। यस पापा। आमीन बोलकर रिसीव कर। पवित्र आत्मा तुझे आशीष देने के लिए जा रहा है, बोला हालेलुया। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। पास्टर अशोक के साथ इसी समय वचन की सेवकाई में जाएंगे। हाँ 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 हालेलुया। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आपके इस समय के लिए। मेरे खुदा जितने लोग आज वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, मेरे परमेश्वर तू इन्हें आशीष दे, और मेरे परमेश्वर आज तेरा कलाम खुले तो मेरे पिता ये लोग तेरे कलाम को सुनते सुनते चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और पवित्र आत्मा तेरी बड़ी सामर्थ तेरे कलाम के द्वारा उतरने पाए पिता, और मेरे परमेश्वर ये तेरे आज भवन को तेरी आशीषों को खुला हुआ देखने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। और मेरे प्रभु जितने हाथ उठाकर तेरे लिए तालियां बजा रहे हैं खुदावन, मेरे प्रभु आज तेरे कलाम के द्वारा चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु आज हर एक रोगी अपने रोग से निजात पाने पाए यीशु मसीह के नाम से, मेरे प्रभु इनके हर एक बिगड़े हुए काम बन जाए यीशु नासरी, और ये बड़ी हीलिंग को आज अपने जीवन में देखे यीशु मसीह। तो इन्हें छू और आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमेन। जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाएंगे कलीसिया, परमेश्वर की महिमा करेंगे, और हम एक वर्शिप करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। जीसस, हाथों को उठाएं सभी जन, आप तैयार हैं आज वचन के वो किसे गली थी यीशु रख दखबर हर पल दी उठाए मेरे अजीज और सज्जन। न करी परी वो किसे गली दी ये सुरखता कबर हर पल दी, न करी परी वो किसे गली ये सुरखता कबर हर पल दी। ओ मेरा खुदा है जिंदा खुदा है, अपने हाथों को उठाकर बोलिए काश की और ताक कर बोलिए। ओ मेरा खुदा है जिंदा खुदा है, ओ
प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हाथों को जोड़कर जोर से ताली के साथ खुदा की महिमा के लिए जो मांग रहे हो आज आपको मिलने के लिए जा रहा है कलीसिया। विश्वास करें परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपकी लाइफ में आज अद्भुत करेगा। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने हाथों को उठाएं सब, अपने हाथों को पीछे वाले सब, खुदा के नाम को आदर दें। आज वो आपका आदर बढ़ाएगा, वो आपको हाली हाथ नहीं जाने देगा, वो आपको हर एक सिचुएशन से बाहर निकालेगा आज। थैंक यू जीसस, ओ ग्लोरी टू गॉड, प्रेज गॉड। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर, हाथों को उठाए सजदा करता हूं तुझसे, हाथों को करता हूं तुझसे। कितने चाहते हैं आज खुदा मेरी जिंदगी में काम करे, अपनी जबान को खोले, उसका कलाम कहता अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को सामर्थ्य से भेदारी से भर दूंगा। तू
अपने हाथों को उठाकर आंख बंद करके कहें पवित्र आत्मा से कि आज हमसे बातें कर। आज कहें कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमसे बातें कर। तालियों के साथ परमेश्वर के दास का हम दोबारा स्वागत करेंगे। सजदा करता हूँ तुझसे, हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा कर। सारे बोलो हालेलुया। सब अपने सिर पर हाथ रखें, आज परमेश्वर आपको छुएगा। और जिसमें अपने सिर पर हाथ रखकर, ये हाथ मैं कह रहा हूं आपको लग रहा है कि आपका है, लेकिन 5 मिनट के बाद पता लगेगा कि इस हाथ के ऊपर एक हाथ यीशु मसीह का आ गया है। यस, आप जो मांगना चाहते हैं अभी आंख बंद करके मांगे, कोई लालच ना करे इस बात का। विश्वास करो परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। मांगो, शाबाश। जो मांग रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, आप जो कुछ मांगना चाहते हैं आप मांगे आज परमेश्वर से। परमेश्वर से मांगे, शाबाश। पवित्र आत्मा आशीष देना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, जो आप मांगेंगे क्रूसड के अंदर आज परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को विश्वास है कि क्रूसड में जब इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर सुनता है। मांगे एक बार जोर से, मुंह खोल कर मांगो, शाबाश। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने तुझसे मांगा परमेश्वर इन्होंने आज पा लिया यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आइए सिर पे हाथ रखें फिर से। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जब तेरे लोग आज तेरे वचन के कलाम में जाएं परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जी जैसे ही ये वचन को सुनने के लिए अपना दिल खोल लें परमेश्वर, आज तो इनके लिए स्वर्ग से वो मुट्ठी खोल दे परमेश्वर। आज आशीषों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर आने पाए, हर पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी के सच में परमेश्वर, जब हम हाथ उठाते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। आज इस पंडाल में आई भीड़ परमेश्वर एक बड़ी आशीषों को लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। जिधर भी मैं हाथ कर रहा हूं परमेश्वर, उसी समय मेरी हाथ करने के बाद, मेरे दुआ करने के बाद इनके ऊपर से मिट्टी झड़ जाए आज शैतान की, आज करते वाली मिट्टी झड़ जाए। मैं झाड़ देता हूं। तूने अय्यूब को कहा, अय्यूब मैं अगर तू सुबह 4 बजे उठकर मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तेरे ऊपर से मिट्टी को झाड़ दूंगा और करा के पूरी दुनिया को तेरे वश में कर दूंगा परमेश्वर। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोग पवित्र आत्मा जी, आज सच में परमेश्वर जो ये मांग रहे हैं, जो चाहते हैं वो इनके वश में हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके पास आने पाए, हर एक ब्लेसिंग इनकी डबल होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर ने मुझे कुछ दे दिया, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर यहां पर बोलते हैं कि हम मसीह में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मसीह में होने के बाद भी दुख उठा रहे हैं। बाइबल पढ़ने के बाद भी लोग दुखी हैं, प्रार्थना में जाने के बाद भी लोग दुखी हैं। लेकिन अगर आज यहां पर कोई ऐसा जन बैठा है जो सोच रहा है कि शायद इतनी प्रार्थना किया, इतनी बाइबल पढ़ा, लेकिन परमेश्वर ने मेरा एक भी काम नहीं किया, मैं कह रहा हूं आपने पूरे बाग करा के सबको हर बाग में फल मिला, लेकिन आपके लिए एक भी सेब आज तक नहीं मिला, एक भी फल अगर आपको नहीं मिला तो आज विश्वास करना, आज जैसे ही आप कलाम को सुनेंगे पवित्र आत्मा आज आपको एक नया फल देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगी में आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। आज आपका दर्द परमेश्वर ले लेगा, लेकिन उन लोगों का जो कह रहे हैं कि आज परमेश्वर के सामने भक्ति करना जानते हैं, अगर आप सही तरीके से भक्ति करना जानते हैं तो पवित्र आत्मा आज आपको नई ताकत देकर भेजेगा यहां से। आज का हमारा टॉपिक है, खुदा किसको आजाद करेगा। अपने हाथों को उठाओ जो आजाद होना चाहते हैं, बोलो मेरे को, मैं आज पाप से आजाद हो जाऊंगा, हर कर्ज से आजाद हो जाऊंगा, हर बीमारी से, हर टेम्पटेशन से, हर डिप्रेशन से, हर एक टेंशन से मैं आजाद हो जाऊंगा। I am free. आप कहें, अगर आप कहते नहीं आपके लिए होता नहीं है। मसीहत को लोग गलत समझते हैं, मसीहत ये है करे जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। आमीन। जैसा आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर, आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, याद रखना। अगर आज आप अपने विचारों में अगर गिरेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन जितने लोग ये लाखों की भीड़ जो इस समय मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, जो इस समय हाथ हिला रहे, हिलाओ शाबाश। मैं कह रहा हूं कि ये लाखों की भीड़ पूरे गुरदासपुर, क्या पूरे पंजाब में,
करे के ये आज के बाद जहां भी आप जाओगे आज की मीटिंग के बाद करे हाथ इलाओ शाबाश, एक अभिषेक मैं आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूं अगर आप विश्वास करते हैं। अबालाबा शबालाबा, वो अभिषेक क्या है याद रखना, वो अभिषेक ये है, ये वो अभिषेक है याद रखना। क्या अभिषेक है ये? करे जब आप सुबह उठकर किसी से हाथ मिलाएंगे उसके घर में एक नई टेस्टमनी बनेगी, आपकी आशीषें डबल होंगी। चर्च आमीन बोलने वालों, आमीन। आजाद हो जाओगे आप, बड़े छुटकारे को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कह के बाइबल बताती है, कह खुदा किसको आजाद करता है, टोपी का ये स्क्रीन पर देखो आप, और इसी समय कह लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर, कह जो आत्मा से बोलेगा, जो आत्मा से बोलेगा और जो आत्मा से के चलाए चलेगा, जो अपने जीवन में खुदा के भय को रखेगा, अगर आज आप इन बातों को मानते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। लेकिन बहुत सारे लोग मसीहत में तो हैं लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। ऐसे ही बाइबल में एक जगह जिक्र है शाऊल के बारे में कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन कह रहा कि वो गिर गया है एक ऐसे पाप में, कह रहा कि उसके अंदर कह रहा एक जेलस कि आत्मा ने उसको शिकार बना लिया है। कि दाऊद को जब पता लगा कि वो राजा बनने वाला उसका अभिषेक किया गया है तो उस समय कह रहा कि वो उससे चिढ़ने लगा। क्यों चिढ़ने लगा? क्योंकि उसके अंदर शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा था। सारे बोलो, शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा आ चुका था, इसलिए वो जेलस करने लगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं करे जी ये मुझसे जलस करता है। अगर आज कोई यहां पर आपसे जलस करता है मसीह लोगों, इसका मतलब क्या है? करे उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। लेकिन दाऊद के अंदर क्या था? दाऊद के अंदर करे परमेश्वर का अभिषेक था। हम बाइबल के अंदर देखते करे के यहां पर दूसरा शमूएल 5 के हम देखेंगे, पढ़ेंगे स्क्रीन पर देखेंगे, 5:17 में पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ। हाँ हाँ, जब फिलिस्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले, ये सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा करे कि जब दाऊद का अभिषेक हुआ, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़, फिर से पढ़। जब फिलिस्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले, ये सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा कितने लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है शैतान ने आपको घेरा हुआ है। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे? हाथ उठाकर बताओ, मुझे हाथ उठाकर बताओ कि आप प्रार्थना करते हैं लेकिन